गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबका हम लोग स्वागत करते हैं लॉग टेबल के ये सेशन में। ओके, आई थिंक सबके पास लॉगरिथम बुक, नोटबुक एंड पेन ये चीज़ें रेडी है ना? सबके पास ये कंपलसरी रेडी होना चाहिए। ओके, सॉरी फॉर 10 मिनट्स लेट, सो वी विल स्टार्ट नाउ लॉगरिथम सेशन। इसको एडमिट करना बाकी है और नहीं ना, सब लोग आ गए। ओके, ओके, चलो। सो लॉगरिथम का यूज क्यों करते हैं पहले, उससे चार चालू करते हैं हम लोग। तो मैं कुछ नंबर्स इधर लिखता हूँ, अगर मेरे आवाज में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा, तो आप अनम्यूट करके मुझे पूछ लेना। ठीक है, समझो मैंने आपको इधर एक कैलकुलेशन के लिए कुछ नंबर दिया। सपोज आई एम राइटिंग हियर 3.216 इंटू 4902 डिवाइड बाय 0.001 इंटू 10,000। सो आपको पता है कि ये कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बराबर है? और हम लोग नॉर्मली ये ओरली कैलकुलेट करने को हम लोग फिर बुक के पीछे सॉल्व करते हैं, वो सब करते हैं, बराबर है? आपको सबको पता रहेगा, ठीक है? या फिर दूसरा तरीका है, डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। ओके, बट इन स्टैंडर्ड 11th एंड 12th कैलकुलेटर इज नॉट अलाउ, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउ। सो व्हाट इज ऑप्शन देन? देर इज ऑप्शन कॉल्ड लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल यही आपके पास ऑप्शन रहेगा जब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आपको आएगा तब। ओके, तो हम लोग को 11th 12th में केमिस्ट्री फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं कि जिसको हम लोग को लॉग टेबल के बिना वो सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अभी तो आप 11th में रहेंगे तो आपको कुछ भी ज़्यादा पता नहीं रहेगा, उतने कैलकुलेशन आपको आए नहीं रहेंगे कि वो कैलकुलेशन के लिए लॉगरिथम की ज़रूरत पड़े। लेकिन इसके आगे जैसे जैसे सीखते जाओगे, वैसे वैसे फिजिक्स में देखो, केमिस्ट्री में देखो, न्यूमेरिकल्स ऐसे रहेंगे कि जिधर हम लोग को लॉगरिथम टेबल के बिना हम लोग सॉल्व ही नहीं कर पाते। ठीक है, कभी कभी हम लोग को ऐसे आता है 10 25 डिग्री निकालो, या फिर कॉस 50 डिग्री। नॉर्मल डिग्री हम लोग को पता रहता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्रीज वैल्यू वी ऑल आर नोइंग। बट वॉट अबाउट दिस इन बिटवीन वैल्यूज? अगर ऐसे रहेगा, समझो साइन 12 डिग्री 15 5 मिनट, ऐसा वैल्यू कैसे निकालोगे आप? सो वी कैन नॉट फाइंड लाइक दिस वैल्यूज यूजिंग नॉर्मल मेथड और यूजिंग एनी रे मेथड। ओके, तो फॉर दैट वी हैव टू ओनली यूज लॉगरिथम टेबल। ओके, सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ द लॉगरिथम टेबल? फर्स्ट वी विल सी दैट, देन वी विल स्टार्ट विद द एक्चुअल एग्जाम्पल एंड स्टेप टू यूज लॉगरिथम टेबल। ओके, सुरभि, व्हाट हैपन? यू आर नॉट एबल टू हियर स्टिल नाउ? अतुन आयकल है इतना ये का? सुरभि अभी आ रहा है आवाज? सुरभि आवाज आ रहा है क्या मेरा अभी? हेलो, ओके, ठीक है, चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ द लॉगरिथम? फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कॉम्प्लिकेटेड नॉर्मल हम लोग कर सकते हैं अपने, मतलब ओरली या फिर बुक के पीछे सॉल्व कर दे नॉर्मली, वो कॉम्प्लिकेटेड जो रहते हैं वो नॉर्मली हम लोग लॉग से करते हैं। सेकंड, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। बहुत सारे जगह ऐसे कैलकुलेशन आता है कि स्क्वायर रूट, बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। जैसे कि समझो ऐसे नंबर है, स्क्वायर रूट लिखा 0.256 इंटू 1.210 इंटू 7.016। अभी देखो पहले इनका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। हम लोग के पास ऑप्शन रहता है कैलकुलेटर, लेकिन वो 11th 12th में अलाउ नहीं है। सो ओनली ऑप्शन इज दैट टू यूज लॉगरिथम टेबल। ओके,
next part of this log table, we can use this log table to find नेचुरल साइन. साइन किसी एंगल का निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, ये सब हम लोग लॉग टेबल से फाइंड कर सकते हैं. फोर्थ आता है रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर. तो ये चार चीजें मैं हम लोग लॉग टेबल से कर सकते हैं. ठीक है, वी कैन डू द कैलकुलेशन यूजिंग द लॉग टेबल फॉर दिस फोर कैलकुलेशन बेसिकली. ओके, और उसके बाद आप जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हैं. मतलब समझो अभी इस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सब इंक्लूड है, मतलब पावर्स रहते हैं रेस टू, जैसे कि 5:9 या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड नंबर है 0.216:3, सो और 1/3. वी कैन डू दिस कैलकुलेशन यूजिंग द लॉग टेबल ओनली. ओके, देर इज नो अदर वे टू कैलकुलेट दिस. ओके, अदर देन कैलकुलेटर. सो कैलकुलेटर के अलावा लॉग टेबल के बिना हम लोग ये सब कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते. ठीक है, सो नाउ वी विल स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप हाउ टू यूज लॉग टेबल. ओके, फॉर योर 11th 12th कैलकुलेशन. ठीक है, सो ऑल ऑफ यू रेडी विथ नोटबुक लॉगरिथम टेबल. हाँ, प्लीज बी रेडी. आई एम गिविंग 1 minute टू गेट रेडी फॉर दैट. First of all, we will show you how logarithm table में क्या-क्या होता है. पहले हम वो show करेंगे, ठीक है? This image is visible to all of you now. Logarithm. So this is the first name of the page in your logarithm book. Logarithm book में आपका ये पहला पेज ऐसे दिखता है, logarithm करके रहता है. Here you can find the log from 10 to 54. Next page will be same from 55 to 99. That means you can find the log of the number from 10 to 99. 10 to 99. Here also you can see. Okay, this is logarithm part. Next we have anti-logarithm. एक-एक करके हम लोग सब सीखेंगे. Just मैं आपको overview सबका दे रहा हूँ. Anti-logarithm में देखो कैसे दिखता है टेबल. 1 minute. See here you can see anti-logarithm. Anti-logarithm do not start with the 10. 10 से start नहीं होता. वो 0-0 से start होता है. पहले पेज पे 49 तक है. And next page 50 से लेके अगेन 99 तक है. ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली ये चार पेज के बारे में सीखेंगे, इस चार पेज का यूज कैसे होता है नॉर्मली. ओके, सो हम लोग अभी सिंपल सिंपल कैलकुलेशन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलो देखो ये इमेज पे कुछ कैलकुलेशन के लिए पूछा गया है. Find the log of the following number. देखो, we will cover this four numbers to find the log of this number. Okay, so what is the first number? It is 2.314. First number is what? 2.314. Instruction दिया गया है आपको कि उसका log find कर. देखो आप आपको अभी इसी step में समझेगा नहीं समझेगा हम लोग confirm नहीं बता सकते. लेकिन आप just continue सुनते रहो मैं क्या बता रहा हूँ. ओके, जैसे आप सुनते रहोगे कंटिन्यूअसली ध्यान देगी वैसे वैसे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी. अब तुरंत इसी मोमेंट पर आपको अगर ऐसे चाहिए कि मुझे सब समझना चाहिए तो वैसे पॉसिबल नहीं है कभी. ठीक है, तो आप जस्ट लिसन, उसके बीच में कुछ डाउट रहेगा तो आप थोड़ी देर के बाद पूछ सकते हो. लेकिन पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ वो खाली आप लिसन करो, देखो क्या हो रहा है. अगर वो एक स्टेप पूरा होने के बाद अगर नहीं समझा हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो या फिर अनम्यूट करके मुझे पूछ सकते हो.
ठीक है, तो मैंने पहले ये क्या लिया एक्सरसाइज में, तो फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर, पहला नंबर है मेरा 2.314, ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद दिस 2.314, सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, फाइंड लॉग ऑफ, लॉग मींस लॉगरिथम, हु इज गैलेक्सी A30, फाइंड द लॉग ऑफ 2.1 minute. So you have to find the log of 2.314. Logarithm में सबसे पहले दो चीजें important होती है, एक होता है characteristics, दूसरा होता है मैंटिसा. खाली आप सुनते जाओ बस, मैंने आपको क्या बोला, खाली आप सुनते जाओ, थोड़ी देर के बाद आपको एक चीजें क्लियर हो जाएगी. अभी लॉगरिथम क्यों यूज करना है हम लोगों ने पहले सीखा, अभी लॉगरिथम कैसे यूज करना है हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं. हम लोग ने जो अभी ये इंस्ट्रक्शन दिया है फाइंड द लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये बहुत बेसिक इंस्ट्रक्शन है, ऐसे इंस्ट्रक्शन आपको डायरेक्टली पूछे नहीं जाते, ओके, लेकिन आपको ये छोटे छोटे चीजें सीख के फिर आपको बड़ा कैलकुलेशन इजीली आ सकता है, इसलिए हम लोग ये छोटा जो पार्ट लिया है 2.314 का लॉग फाइंड करना वो स्टार्ट किया है. अभी लॉग फाइंड करना मतलब क्या फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करना होता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दूसरा होता है मैंटिसा. कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐसे फाइंड किया जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आपका ये जो नंबर है इस नंबर में डेसिमल के पहले डिजिट कितना है, ये वैल्यू दो है लेकिन डिजिट कितना है, एक है. हाउ टू कैलकुलेट डिजिट सी, अगर डेसिमल के बाद पूछा जाऊंगा तो 1, 2, 3 डिजिट है, ओके, इधर और डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, तो डेसिमल के पहले जितना डिजिट होता है, अभी इस केस में एक है, उसमें से 1 माइनस करो, आंसर कितना आएगा 0. इन दिस केस योर कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी 0. जस्ट लिसन, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड किया जाता है, आपके दिए गए नंबर में डेसिमल के पहले कितने डिजिट्स है वो काउंट करो, अभी इस केस में एक ही डिजिट है, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 0. अगर मैं आपको समझे बोलता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ नंबर का फाइंड करो, समझे मैंने आपको नंबर दिया 210.36, 21.24, 4190. अभी नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करोगे, डेसिमल के पहले कितना डिजिट है इधर 3, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया उसका 2. इधर डेसिमल के पहले कितना डिजिट है 1, 2, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो गया उसका नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1, नंबर ऑफ डिजिट कितना है डेसिमल के पहले 2 है, उसमें से एक गया, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है. अभी आप बोलोगे सर इधर डेसिमल ही नहीं है तो कैसे करेंगे, डेसिमल जब नहीं होता है तो उस नंबर के लास्ट में डेसिमल अज्यूम किया जाता है, इसका मतलब डेसिमल के पहले 4 डिजिट आ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी 3. समझ में आ रहा है, तो उसी हिसाब से इस नंबर में डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो उसमें से एक माइनस करना है, कंपलसरी नंबर ऑफ डिजिट में से एक माइनस करना है, आंसर आएगा 0. ये पार्ट समझा आपको, ये आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी इसी नंबर का मैंटिसा कैसे निकालें, मैंटिसा के लिए आपको जाना पड़ेगा लॉगरिथम टेबल पे, फिर जाना पड़ेगा आपको लॉगरिथम टेबल पे, ठीक है. सी आपके पास अभी लॉगरिथम टेबल आपको दिख रहा है क्लियरली, किसी को प्रॉब्लम है दिखने में, एक मिनट हम फिर से वो देखते हैं. So it is visible to all of you. बराबर है, हम लोग क्या फाइंड करना पता है ना, देखो इसमें इस नंबर का लॉग फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना मतलब दो चीजें फाइंड करना है, एक एक कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा मैंटिसा. कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए टेबल की जरूरत नहीं होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उस नंबर में डेसिमल के पहले जितने डिजिट्स है उसमें से एक माइनस करो, वो आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, इस केस में एक ही डिजिट है, उसमें से एक गया, 0 आया, ठीक है. अभी मैंटिसा के लिए आपको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, कैसे यूज करेंगे लॉग टेबल, देखो अभी आपके लॉग टेबल में ये नंबर क्या है, अभी लॉग टेबल में फाइंड करने में क्या फाइंड करना है, पहले स्टार्टिंग में से दो डिजिट, स्टार्टिंग में दो डिजिट कौन सा है 23. अभी डेसिमल नहीं है ऐसे अज्यूम, डेसिमल इस नंबर में नहीं है ऐसे अज्यूम करके
हम लोग को नंबर कौन सा दिख रहा है इधर 23, तो 23 हो गया आपका, ये 23 आपको इधर देखना है इस केस में, इधर देखो इधर, दिस इज 23, सी हियर दिस इज 23, मतलब ये जो आपका रो है, रो लॉगरिथम का फर्स्ट पेज में इस रो में इस कॉलम में 23 नंबर देखना है, ठीक है, समझ में आ रहा है 23 नंबर। उसके बाद 23 में इस क्या देखना है, तो देखो इधर हम लोग के पास 23 के बाद कौन सा नंबर है, एक, तो ये जो एक जो है एक, ये एक आपको बताएगा कि कौन सा कॉलम देखना है, ठीक है, ये आपका रो बताएगा, ये कॉलम, और ये मीन डिफरेंस आता है, फोर डिजिट वो मीन डिफरेंस, तो एक नंबर का कॉलम 23 नंबर के रो में एक नंबर का कॉलम कैसे दिखेंगे, देखो 23 नंबर का रो आपका इधर, ओके, उसमें एक नंबर का कॉलम, मतलब इधर, मतलब आपको ये नंबर दिख रहा है 3636, ओके, देखो 23 नंबर का रो एंड एक नंबर का कॉलम आएगा 3636। अभी आप बोलोगे सर इस चार का क्या होता है, चार मीन डिफरेंस में देखना है, 23 नंबर में उसी रो में आगे ये, ये देखो ये मीन डिफरेंस का पार्ट है, चार नंबर दिख रहा है आपको इधर, इस चार नंबर के नीचे एंड 23 के सामने, बराबर है, देखो 23 के, एक मिनट, देखो 23 नंबर, उसमें एक नंबर का कॉलम, बराबर, उसी रो में, उसी रो में चार नंबर का मीन डिफरेंस, उसी रो में चार नंबर का मीन डिफरेंस, मतलब फोर्थ नंबर के नीचे, फोर्थ नंबर के नीचे लेकिन 23 के रो में, वो है आपका सात। तो ये सात क्या करना है आपको, ये सात इस नंबर में ऐड कर देना है, इस नंबर में ऐड कर देना है, ये सात नंबर इस नंबर में ऐड किया तो आंसर क्या आएगा 3636, 36 में 7 ऐड किया तो कितना आता है पता है आपको, 36 में अगर मैं 7 ऐड करता हूँ तो आ जाता है 43, मेरा नंबर कितना बन गया 3643, ओके, नंबर कितना बन गया 3643। कैसे मिला मुझे नंबर, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, देखो आपका जो नंबर है एक्चुअली इस नंबर में पहले दो डिजिट आपको बताते हैं रो देखो, तीसरा डिजिट बताता है कॉलम देखो, एंड फोर्थ डिजिट बताता है उसका मेन डिफरेंस देखो, 23 नंबर में फर्स्ट कॉलम, फोर नंबर का मेन डिफरेंस, और ये जो मेन डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस आपको इस नंबर में ऐड करना होता है, तो इधर मुझे आंसर मिला 3643, तो हियर आई कैन राइट हियर 3643, तो 3643 एंड ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके बीच में आएगा डेसिमल, तो ये बन गया आपका मैंटीसा, ये बन गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस पूरे नंबर को हम लोग बोलते हैं इस नंबर का लॉग, इसका मतलब लॉग ऑफ लिखा जाता है ऐसे 2.314 इज इक्वल टू 0.3643, ओके अंडरस्टूड, लॉग ऑफ 2.314 इज इक्वल टू 0.3643, ठीक है, वन मोर एग्जांपल वी विल सी नाउ, और एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, सुरभि आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है तो आपके साइड से प्रॉब्लम रहेगा, बाकी लोग को आ रहा है आवाज, सुरभि आपके माइक का इश्यू रहेगा, फिलहाल चेक करो, एक मिनट सुरभि फिर से लॉग आउट हो गई, ठीक है, बाकी सबको समझ में आ रहा है क्या, पीयूष, पीयूष यस सर समझ में आ रहा है, शरयु, शरयु समझ में आ रहा है, हेलो शरयु, यस सर, ओके कुणाल, ओके मनोज, मनोज समझ में, यस सर, ओके यश, यस सर,
शुभम? यस सर. ठीक है, सो वी विल कंटिन्यू नाउ. ओके, सो अभी एक समझा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल क्या बोला उन्होंने? फोर एटी का लॉग निकालना. इसका हम लोग बहुत स्लो जाएंगे, जल्दी बिल्कुल नहीं करना है हम लोग को, बहुत स्लो जाना है क्योंकि ये आपको दो बरस काम आने वाला है इलेवन टाइम ट्वेल्व में. ओके, जितना अभी स्लो जाओगे ना उतना बाद में आपका स्पीड बढ़ेगा कैलकुलेशन. तो अभी मुझे 480 का लॉग निकालना है, ध्यान से सुनने का कैसे करना है. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द लॉग ऑफ 480. लॉग ऑफ 480 का log निकालने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक होता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा होता है 97. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, उस नंबर में डेसिमल के पहले, अभी इधर डेसिमल है क्या 480 में? नहीं, डेसिमल इधर मानेंगे, उसके पहले डिजिट कितना है, 1 2 3. नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट माइनस वन, नंबर ऑफ डिजिट में से वन माइनस करना है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट इधर कितने हैं, तीन है, उसमें से एक गया तो आया दो, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, दो. तो इधर मैं लिख देता हूँ टू. मैंटिसा फाइंड करना, अभी मैंटिसा के लिए लॉक टेबल यूज करना पड़ेगा. तो लॉक टेबल में देखो, पहले दो डिजिट होते हैं वो होता है आपका रो का नंबर, और उसके बाद जो होता है वो आपका कॉलम होता है. ये आपका रो हो गया और ये होता है कॉलम. अभी आप बोलोगे सर फोर नंबर नहीं है, चौथा वाला डिजिट नहीं है, छोड़ दो, अगर नहीं है तो छोड़ो. तो मैं 48 नंबर के रो में जीरो नंबर का कॉलम देखू. माइक में सेट कर लेता हूं एक बार. ओके सुरभि, अभी आवाज आ रहा है क्या मेरा? ओके, अभी 48 नंबर के रो में जीरो नंबर का कॉलम, किधर है आपका लॉग टेबल? आपके लॉग में चेक करो, आपका लॉग रिदम का पेज, ये पेज देखो, अब ये पेज चाहिए दो, देखो लॉग है रिदम 10 से चालू होता है, 0 0 से नहीं. हाँ, इधर मिलेगा 48, इधर आपको देखो इधर 48 देखना है, दिखा इधर 48. ठीक है, दिस 48 नंबर में, इस 48 नंबर में कॉलम कौन सा देखना है बाबा? कॉलम कौन सा बोला उन्होंने? जीरो नंबर का कॉलम. चलो देखते हैं जीरो नंबर का कॉलम, ये जीरो है ना, तो पहला ही कॉलम. ठीक है, तो 48 में पहला ये है ना, 6812, तो ये आ गया 6812. लेकिन मीन डिफरेंस कितना देखना है इधर, इधर मीन डिफरेंस कोई देखना है क्या? नहीं, क्योंकि आपके इसमें चार नंबर का डिजिट नहीं है, तो खाली रो नंबर 48 कॉलम नंबर 0. तो आपका आंसर है, क्या आंसर है वो पता है? 48 में ये देखो ये है ना, अभी वो गड़बड़ हो गया थोड़ा, 48 में 6812 है. क्या है वो? 6812. हाँ, 6812. तो आपका आंसर आएगा इधर 6812. तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है 2, मेरा मैंटिसा है 6812, तो मैं कैसे लिखूंगा, 2.6812. तो 480 का लॉग कैसे आया समझा? लॉग ऑफ 480 इज हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट 3 माइनस 1 2, एंड 48 में 0 का कॉलम 6812. सॉरी मैंने रॉन्ग दिख लिया ना इधर, एक मिनट, हाँ I have written wrong here. Okay. 6812. ये आपका गया 48 का लॉग.
एक एक नंबर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इतनी जल्दी नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपको क्या दिया है, आपको नेक्स्ट नंबर आपको दिया है 0.2030। क्या नंबर दिया है? 0.2030। ओके 0.2030। चलो फाइंड करेंगे 0.log of 0.2030। अभी आप बोलोगे सर क्या क्या फाइंड करना है, दो चीजें फाइंड करना है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा मेंटिसा। अभी मैं इधर नहीं लिखूंगा, अभी मैं डायरेक्ट आंसर में लिखूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करता है, डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, जीरो, मतलब कुछ भी नहीं है, तो जीरो में से एक माइनस करना है, तो माइनस वन ऐसे लिखा जाता है बार वन, माइनस वन कैसे लिखा जाता है बार वन, तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, बार वन आ गया, ठीक है। उसके बाद डेसिमल दिया जाता है। अभी मेंटिसा फाइंड करना है, मेंटिसा के लिए देखो अब बोलोगे सर 0-2 देखने का है, 0-2 है ही नहीं लॉग टेबल में, तो 0 से लेके नॉन जीरो नंबर कौन से है, दो नॉन जीरो, ये जीरो ये छोड़ो, इधर से दो कौन सा नंबर, 2-0, तो ये आपका आएगा रो, और ये 3 नंबर का कॉलम एंड 0 नंबर का मेन डिफरेंस। ओके तो 20 नंबर का रो, 3 नंबर का कॉलम, 0 नंबर का मेन डिफरेंस। चलो देखते हैं 20 नंबर का रो, ओके 20 नंबर का रो, 20 नंबर के रो में कितने नंबर का कॉलम चाहिए, एक मिनट, नंबर किधर गया, एक मिनट, ऐसा नंबर था 0.2030 ना, सो लॉग ऑफ 0.2030 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया आपका बार वन पॉइंट, 20 नंबर का रो, 3 नंबर का कॉलम, 0 नंबर का मेन डिफरेंस, ये रो ये कॉलम ये मेन डिफरेंस, ठीक है। देखो 20 नंबर का रो, ठीक है 3 नंबर का कॉलम ना, 3 नंबर का कॉलम, तो 20 में 3, इधर देखो इधर 3 है और ये 20 है, तो 20 में 3 सीधा इधर आता है 3075, बराबर 3075 नंबर है, और मेन डिफरेंस कितना, जीरो का, लेकिन इधर जीरो है क्या नंबर, इधर जीरो नंबर ही नहीं है, इसलिए वो छोड़ देने का। इसका मतलब मैं 20 नंबर के रो में 3 नंबर का कॉलम देखता हूँ, आंसर आएगा आपका 3075। क्या आएगा आंसर, 3075, तो इधर लिख देता हूँ मैं आंसर 3075, हो गया आपका ये लॉग, ठीक है। और एक नंबर का प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा नंबर मैं आपको देने वाला हूँ फाइंड करने के लिए, और एक नंबर देता हूँ मैं, इसका लॉग फाइंड करना है, कैसे करोगे देखो, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बाद मेंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या, डेसिमल के पहले कितने डिजिट है, 3, उसमें से एक गया, कितना बचा, 2, मतलब मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 2 पॉइंट। अभी स्टार्टिंग से नॉन जीरो नंबर 2 से ही है ना, तो पहले दो डिजिट, 25 नंबर का रो, नेक्स्ट ये कॉलम और ये मीन डिफरेंस, देखो 25 नंबर के रो में थर्ड कॉलम 6 का मीन डिफरेंस, चलो 25 नंबर का रो इधर है, 25 बाबा इधर है, थर्ड कॉलम, ये थर्ड नहीं है ये 2 है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, थर्ड कॉलम, तो इधर 25 नंबर का रो थर्ड कॉलम 4031, एंड मीन डिफरेंस के लिए कितना कितना नंबर है, 6 है, तो 25 के ही रो में देखो पहले 25 नंबर के रो में ही थर्ड नंबर का कॉलम एंड 6 नंबर का, उसी में इधर 6 नहीं देखना है, इधर 6 देखना है, इधर इधर 6 देख के उसी लाइन में 25 रो के सामने मतलब 10, वो 10 इसमें ऐड करना है इसमें, तो क्या आएगा 4041 आएगा, बराबर ना 4041, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 4041। ओके आंसर आएगा इधर 4041,
4.41 क्या हो गया आपका लॉग। अभी आपके लिए देता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए, मुझे लॉग निकाल के बताओ। हाँ ठीक है, दो देता हूं मैं, आप प्रैक्टिस करो और मुझे अभी तुरंत बताओ। ठीक है, लॉग ऑफ बोलने का तरीका ऐसा है, लॉग ऑफ, ऑफ मतलब ब्रैकेट के अंदर 21.06 लॉग ऑफ 70.12। ओके, आपके पास लॉगरिथम टेबल है, उसके हिसाब से आप मुझे 2 मिनट में करके बताओ, मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ। अगर मीटिंग एंड होता है ना तो फिर से ज्वाइन करना है। हम लोग 6:10 तक ये मीटिंग लेने वाले हैं, 6:10, क्योंकि 5:10 को चालू किया था, तो 6:10 तक मीटिंग कंटिन्यू रहेगा आपका। ठीक है, करो।